किस्म की अगवानी बोटियाँ मैंने बनाई हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को पूरा फॉलो करते हैं। और ये देखें किस तरह से मैंने मजीद मज़े की अगवानी बोटियाँ बनाई। ये देखें यहाँ से इसको, ये देखें आप, ये लुक देखें आप, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, हॉट बहुत हो रही है ये। लेकिन सब लोग खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं, सोचा जल्दी से एक वीडियो ले लूँ, बहुत हॉट हो रही है तो नहीं डाला जा रहा मुझसे हाथ। ओ माय गॉड, तो ये देखें आप, ओ माय गॉड, बस इतनी ठीक है, निकाल पाई हूँ, बाकी सब खाने पर अपनी अपनी निकाल लेंगे। ये देखें ये मलाई बूटी का लुक आया है, ठीक है। और ये हमारी ट्रे आई है, इसके साथ यूँ लगा के ऐसे करके यूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमान कहिए और अंदर मुँह में ले जाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये लुक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आ जाए रेसिपी को पूरा फॉलो करते हैं। बहुत गर्म हो रही है। हाय एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। आज मैं बनाने जा रही थी फ़ौरन के साथ मलाई बोटी, ठीक है, अगवाई मलाई बोटी, ठीक है। उसके लिए हम ये पैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, जज्जा वालों का। तो ठीक है, आप देखें फटाफट से फौरन बनाते हैं। ये इसमें डाला, ठीक है, अब क्या करना है इसमें। ये मेरी बड़ी वाली क्रीम थी जो मैं आधी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अब 100 ml बची है, ठीक है, और हमें 100 ml ही की जरूरत है। तो ठीक है, आप भी 100 ml ही लीजिएगा, ठीक है। ये क्रीम डाला इसमें 100 ml पूरा, ठीक है, अच्छे से ना, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, अभी मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। 1 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन पेस्ट मिला देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको पहले मिक्स करना है इसके साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार भरे अंदाज में मलाई को चिकन के साथ मिक्स कर लें आप पहले, ठीक है, यूं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसको कट करना है। आप कोई सा भी पैकेट ले सकते हैं मलाई बोटी का, कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है। मैंने ये चुना है क्योंकि मैं घर में बनाने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, पैकेट को खोलती हूँ फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये पूरा पैकेट हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का पैकेट निकला है, ठीक है। खाने के साथ मन हो गया चलो मलाई बोटी आज बना लेते हैं, बाकी सामान तो तैयार कर चुकी थी लेकिन मैंने कहा चलो दिखा भी देंगे साथ में, तो मैंने वीडियो बना डाली आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को और वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, मुझे अच्छा लगता है, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा प्यार होता है, मेरे लिए गिफ्ट होता है, ठीक है। मुझे पता है सब लोग बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं रेसिपीज, मुझे खुशी होती है, ठीक है। अच्छी तरह से अब ये लग चुका है, ठीक है, इंतजार करेंगे 2 घंटे के लिए लग छोड़ेंगे, इसके ऊपर प्लेट ढकती हूँ और फिर बताती हूँ, 2 घंटे के लिए रख छोड़ते हैं फिर बाद में मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारे 2 घंटे बीत चुके हैं, देखें ये शक्ल आई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने ये स्टिक्स ले ली है, ठीक है, आप चाहें तो प्लेन भी इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मलाई बोटी लगाते रहना है और स्टिक्स के ऊपर यूं चढ़ाते रहना है, ठीक है, ठीक है, ये यूं इसको बड़े मज़े से ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देकर अंदर, ठीक है, फिर मलाई बोटी लगाना है, फिर थोड़ा सा प्रेशर देना है अंदर, ठीक है, ये अंदर यूं यूं करके मैं लगाती हूँ और आपको सब कुछ तफसील से करके अभी दिखाती हूँ, ठीक है, फिर मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। सारे स्टिक्स मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, मलाई बोटियाँ लगा दी, अब ये मलाई जो रह गई थी ना ये इसके ऊपर हम गिरा देंगे, तमाम बोटियों के ऊपर अपने, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा मेन मसाला और प्योर मलाई, ठीक है, ये हम वेस्ट नहीं होने देंगे क्योंकि यही चिकन में एक मज़े को एक टेस्ट को डेवलप करेगी। तो आप एक दफ़ा बनाएंगी ना तो इस मलाई का टेक्सचर आप भूल नहीं पाएंगी, ये बहुत बेहतरीन है, ये मैं कई दफ़ा बनाती हूँ, इस दफ़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, 1 मिनट वेट कीजिए ज़रा, थोड़ा सा ही बुरिश लिया है हम,
ठीक है, थोड़ा सा यूं करके हमने यूं लगा देना है, ठीक है, ये ऑयल थोड़ा सा, ठीक है, ये हल्का सा, ठीक है, ये हल्का सा, क्योंकि मैं लाई बहुत कम थी इसलिए मैंने कहा ये छीटा देना जरूरी है इस पर। अब क्या करना है, अब बताती हूँ आपको क्या करना है। अब मैंने इसको ओवन में रखना है, तकरीबन 20 मिनट में हमारा रेडी मिलेगा, ठीक है, 20 मिनट बाद मुलाकात करते हैं आपसे, बाकी सब समझा चुकी हूँ ओवन का आपको, ठीक है, 20 मिनट बाद मिलते हैं, जान किस तरह का लुक आया, कैसा है, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कर लीजिएगा, अच्छा चले ठीक है, 20 मिनट बाद इंतजार में दिखाती हूँ आपको क्या हाल है इसका, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा लुक आया अफगानी बोटियों का, मलाई वाली, ठीक है, इसके साथ ये अफगानी पराठे बनाए मैंने, ये एक नज़र देख लीजिए, आपसे शेयर सब चीज़ें करती हूँ, अफगानी पराठे की रेसिपी फिर कभी शेयर कर दूंगी आपके साथ, अभी बहुत काम था तो ये देखें, ये इसके ऊपर रखते हैं गरम गरम, ये देखें पीछे से ऐसी आई मज़ेदार यमी स्टाइल की, ठीक है, ये यूँ उठाएंगे इसके ऊपर रखेंगे और ये देख लें आप नीचे से भी एकदम मलाई मलाई है पराठों के साथ, इतना बेहतरीन मज़ा आएगा और आपको बताती हूँ ये कैसे लगेगी, ठीक है, अभी आपको करती हूँ मैंने इसको, आपको टेस्ट करवाती हूँ कैसी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनी, गर्म बहुत हो रही है, हॉट बहुत हो रही है, इसलिए ये देखें ये बोटी की गलावट आप देखें, ये देखें बहुत इस वक्त हॉट हो रही है, सर्दियों का मौसम है, ठीक है, इसके साथ हम केचप और वो इमली की चटनी लेंगे अभी, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर मैं टेस्ट करवाती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मलाई थोड़ी सी उठाएंगे यहाँ से, ये टेस्ट कीजिएगा मलाई, हस्बैंड को टेस्ट करवाया है फिर आपको बताती हूँ कैसे कैसी है, सुनिए बताइए कैसा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मजे है ना, बहुत खूबसूरत बनाया है, तायकेदार मजेदार, पिछली वाली से ज्यादा अच्छी, वो ज्यादा अच्छी थी पिछली वाली है, ये नहीं ये उससे ज्यादा अच्छी, ये उससे ज्यादा अच्छी है, चले ठीक है, अच्छा आए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें, ठीक है, और हम लोग एंजॉय करते हैं, आप साथ मिलकर आ जाएं, चलिए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, ये मसाला है इसी के साथ पिक करेंगे यूं करके, और ये मसाला यूं करके इसके ऊपर लगाएंगे हम, ठीक है, और बहुत ही मज़े की है, बहुत ही गलावटी है, बहुत ही मज़े की, इससे आप टेक्सचर से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, माशाल्लाह बहुत हॉट हो रही है, ठीक है, ये देखिए, तो हमारा ये लुक था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, शेयर कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो, अल्लाह हाफिज़, अफगानी मलाई बोटी सर मुझे इजाज़त दीजिए अगली रेसिपी में आने के लिए, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।